ओके, तो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके शशांक, ओके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आपको पता होगा बेटा कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल विच इज यूजफुल फॉर योर बॉडी, विच कैन हेल्प यू इन योर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके बेटा, तो न्यूट्रिशन के बेटा फाइव स्टेप्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स फाइव स्टेप्स। कौन कौन से फाइव स्टेप्स होते हैं बेटा? इंजेशन, डाइजेशन। नहीं बेटा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, दीज आर द फाइव स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या क्या होता है बेटा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब करते क्या है बेटा, इसमें कैसे करते हैं इसको? तो इंजेशन क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ मटेरियल। वेन यू पुट एनीथिंग इन योर बॉडी, इन योर माउथ, दैट प्रोसेस नोन एज इंजेशन। ओके बेटा, ओके। नाउ ब्रेकिंग ऑफ फूड। ब्रेकिंग ऑफ फूड, फूड मीन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इज नोन एज डाइजेशन, इज नोन एज डाइजेशन। ओके बेटा, जी एब्जॉर्प्शन, पिकिंग अप ऑफ नेसेसरी कंटेंट, नेसेसरी पार्टिकल्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड, इसको क्या बोलते हैं यहां बेटा? एब्जॉर्प्शन। मतलब जो आपने फूड ब्रेक डाउन कर दिया, उससे जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो बॉडी के यूज में आ सकती हैं, डायरेक्टली आपने उसको पिक कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अंडरस्टूड? जी जो नेसेसरी सर, कंटेंट गया आपके सेल के पास, ठीक है, तो इनमें से जो सिंपल सब्सटेंसेस थे फूड के, सिंपल सब्सटेंसेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड गेट कन्वर्टेड इंटू यूजबल फॉर्म। यूजबल फॉर्म, बॉडी के यूजबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? एसिमिलेशन। ओके बेटा, क्या बोलते हैं आप? एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट ऑफ बॉडी, क्या बोलते हैं इसको बेटा? इजेशन। ओके, हम शुरुआत करते हैं बेटा इन फाइव स्टेप्स से। तो मैं समझू, ये फाइव स्टेप्स आपको समझ में आ गए? ओके, इसका जो वेटेज होता है एग्जाम में वो लगभग 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे, ठीक है बेटा। ओके, आगे चलता हूं मैं। यहां पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा? एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक एलिमेंट्री कनाल पे और एक दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। एलिमेंट्री कनाल पे बेटा एक्चुअली वो सारी चीजें आती हैं जिसमें फूड गुजरता है, यानी पैसेज होता है, जिसमें फूड ट्रेवल करता है। तो इसमें जैसे आया आपका माउथ, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफिकस, स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है, वो टाइप ऑफ इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों आपकी यहां पर आती हैं, ठीक है बेटा। ओके, जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अगर देखें तो मेनली फोर ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास और इसके साथ साथ आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके, अंडरस्टूड बेटा? जी पक्का? एनी डाउट? सर। ओके, अब मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ बेटा, आगे प्रोसीड करूँ इसको। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आता है आपका 5 मार्क्स में, मेनली 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो ये जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका डायग्राम ड्रॉ करने को, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। जनरली आपके ये सपोज करिए ये आपकी शीट है पूरी कॉपी की, इसमें मिडल पे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और शुरू करेंगे आप नोज से, देखिएगा इसी से कॉपी करिएगा, आप इस तरह से बनाइएगा डायग्राम, जी ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप ही आउटलाइन बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं बेटा एक डॉटेड लाइन ऐसे स्ट्रेट करके ऐसे कर लेते हैं। ये बिल्कुल मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ड्रॉ करना है, दिख रहा होगा आपको बेटा। ओके, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये आपका चेस्ट वाला जोन आ जाएगा जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, और ये आपका एब्डोमेन वाला जोन आ जाएगा जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है नीचे, ठीक है। डॉटेड लाइन दिख रही है आपको बेटा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल जब इतना आपका बन जाए बस आप आराम से बना सकते हो, पहली लाइन ये, ठीक है, इसको लेके आइए ऐसे नीचे तक पूरा, यहां से ऐसे टर्न करिए, ऐसे करके सी शेप का ऐसे आप स्टमक बनाएंगे इसको यहां पे ला करके, दिख रहा है आपको? फिर ये लेवर, ठीक है। तो यहीं पे छोटी सी आप पैंट्रिया दिखाएंगे इस तरह से लीफ लाइक, ठीक है। फिर एक ऐसा करके आप ऐसे दिखाएंगे गॉल ब्लैडर, ठीक है। फिर आपका ये जो सेंटर बना है बेटा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ करके यहाँ से आप ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट में, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ करी थी आपको, यहाँ से आपकी एक्सपिरेटरी कनाल बाहर निकलेगी, तो ये आप ऐसे करके आप ड्रॉ करोगे उसको, देख रहे बेटा। और ये आपकी उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से यहाँ से निकलेगी ऐसे करते यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाएगी, थोड़ी लेंदी होती है, मैं थोड़ा सा कम डेंस बनाइए, ठीक है। जब आपका डायग्राम ड्रॉ हो जाए तो एक चीज याद रखेंगे आप, लेबल सिर्फ राइट साइड करेंगे, ये आपके राइट साइड है, ये आपके लेफ्ट साइड है, राइट साइड केवल ड्रॉइंग होनी चाहिए आपकी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इसके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, तो ये नीटनेस होता है एक्चुअली आपका,
कोई भी लाइन एक दूसरे को ओवरलैप या कटिंग नहीं करेगी, ये जरूर याद रखिएगा बेटा। भले आप एक ही चीज को दिखा रहे हो तो उसको आप लाइन ओवरलैप नहीं कराओगे, ठीक है? और लाइन स्ट्रेट कोशिश करोगे ड्रॉ करो, तो भले आप स्केल से ड्रॉ करो उसको। गॉल ब्लैडर है बेटा ये, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज यस बेटा द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपका हो जाएगा हाँ बेटा एनस। और यहाँ पर बेटा एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर्स वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बेटा, अपेंडिक्स होता है एक जगह पे, यहाँ पे हमारी वेस्टिजियल ऑर्गन है जो अभी हमारे पास से एक्सटेंट हो गई है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे इवोल्यूशन वाला तब पता चलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट ऑर्गन। हम लोग ऑर्गन से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आपका माउथ, ठीक है? क्या लिखेंगे? इट इज अ पोर लोकेटेड इन आर फेशियल रीजन बाउंडेड बाय पेयर ऑफ मस्कुलर लिप्स, ठीक है बेटा? तो इसको आप माउथ बोलते हो, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये जो आपके फेशियल रीजन पे आपको जो ये पोर होता है आपका, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? माउथ बोलते हो, ठीक है? माउथ के पीछे एक कैविटी होती है बेटा, स्पेस होता है, उसको दिया जाता है नाम माउथ कैविटी। बेटा फेशियल रीजन पे एक पोर होता है जिसको आप माउथ बोलते हो, जो बाउंडेड होता है पेयर ऑफ मस्कुलर लिप्स से। ओके 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 ठीक। माउथ इज लीडेड बाय अ कैविटी नोन एज माउथ कैविटी बकल कैविटी, इसको बकल कैविटी भी कहते हैं बेटा इसी को, और इसको कोलगेट वाले ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है बेटा? क्या कहते हैं इसको? ओरल कैविटी। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, तो तीन चीजें होती हैं। वन टीथ, टू टंग, थ्री सलाइवरी ग्लैंड। ओके बेटा, शुरू करते हैं टीथ से। टीथ के बारे में अगर बताया जाए बेटा, टीथ की थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? हेटरोडोंट, डिफ्यूडोंट एंड थीको डोंट। ओके, हेटरोडोंट, डिफ्यूडोंट एंड थीकोडोंट। हेटरोडोंट का मतलब होता है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे टीथ सारे अलग अलग होते हैं। क्या हमारे सारे टीथ आपस में सिमिलर हैं? तो हमारे टीथ कैसे होंगे? हेटरोडोंट होंगे। वी आर हैविंग फोर टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
ओके वी आर हैविंग फोर टाइप्स ऑफ टीथ. डिफ्यूडोंट, डिफ्यूडोंट मतलब टू टाइम्स इन लाइफ, आपको आपकी लाइफ में टू बार टीथ मिलेंगे. कौन कौन से? मिल्क टीथ, इसको डेसिडियस टीथ भी कहते हैं, और परमानेंट टीथ. ठीक है, परमानेंट टीथ. ठीक है, समझ में आया? मिल्क टीथ की नंबर 20 होती है और परमानेंट टीथ की नंबर 32 होती है. ठीक है, समझ में आया? ओके. थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड इन जॉ, फिक्स्ड इन जॉ, जॉ में टीथ आपके फिक्स होते हैं. तो इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है आपके टीथ का. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ को नाम दिया जाता है डेंटल फॉर्मूला. ठीक है, जो वन मार्क्स में आता है, फॉर्मूला. कितने मार्क्स में आता है ये? वन मार्क्स में. कैसे हमारे टीथ अरेंज होते हैं? तो मिल्क टीथ कैसे अरेंज होते हैं वो बताऊंगा यहाँ पर, और परमानेंट की टीथ कैसे अरेंज होते हैं वो हम लोग यहाँ लिखेंगे. इसके पहले हमें पढ़ना चाहिए, आपने देखा होगा इस तरह से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या बड़े लोग होते हैं, अगर उनके टीथ सारे गिर जाते हैं तो वो लोग आर्टिफिशियल जॉ लगवाते हैं. देखा होगा ना इस तरह से, उसको अगर हम फोर पार्ट में डिवाइड कर दें, ग्राफ के फॉर्म में करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस, और केवल इस पार्ट को ध्यान दें, इस पार्ट को केवल हम जूम करें, यानी इस पार्ट को केवल हम देख रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम मिल्क टीथ का अरेंजमेंट देखेंगे यहां पर, केवल मिल्क टीथ के लिए अगर देख रहे हैं इस लाइन को, तो इनके पास टू इंसीजर होगा, वन कैनाइन होगा, जीरो प्री मोलर्स होंगे और टू मोलर्स होंगे. समझ में आ गया? टू इंसीजर, वन कैनाइन, जीरो प्री मोलर और टू मोलर्स. और इसी को दूसरी साइड भी करा जाए, मतलब ये आपका एक साइड है, और मतलब इस साइड पर इसको इस साइड भी तो करेंगे, तो टोटल टीथ कितने हुए? 2, 1, 3, 2, 5, 5, 2, 10, 10 टीथ ऊपर हो गए. यही चीज नीचे भी होगी, नीचे के जॉ में भी, दोनों साइड पे. तो नीचे टीथ कितने हो गए? टोटल टीथ कितने निकले? 20. लेकिन इसी चीज को अगर परमानेंट एडल्ट में बात किया जाए तो 2, 1, 2, 3, टू इंसीजर्स, वन कैनाइन, टू प्री मोलर्स, वन मोलर्स अपॉन 2, 1, 2, 3 इंटू 2 by 2, यानी 16 by 16 होगा. 2 plus 1, 3, 2, 5, 3, 8. 8 इस साइड, 8 और 8, 16, 8 और 8, 16. तो 16 सेशन कितने हुए बेटा? 32. तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला. बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ओके. अगर इंसीजर का फंक्शन देखा जाए तो इंसीजर का फंक्शन होता है कटिंग, ये कट करते हैं. आप इसको किस चीज को ऐसे कट करते हो तो ये कट करने के, बाइट करने के काम में आते हैं, कटिंग. कैनाइंस का फंक्शन क्या होता है? ये टियरिंग करते हैं बेटा, फाड़ते हैं. ये कार्निवोरस एनिमल्स में बड़े होते हैं, देखा होगा इस तरह से डॉगीज में या लायंस में, इस तरह से होते हैं ना, है ना, टियरिंग ऑफ फ्लैश के लिए होते हैं ये. ठीक है, प्री मोलर्स जो होते हैं आपके, ये ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, ठीक, पीसते हैं ये. ठीक है, जबकि जो मोलर्स होते हैं बेटा, किसके लिए होता है? ये फाइन ग्राइंडिंग के लिए, और बारीक पीसते हैं. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? पक्का? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ओके. आगे देखते हैं, टीथ एक चीज हो गई, टीथ. नेक्स्ट हो गया आपका टंग. टंग ऑल्सो इज प्रेजेंट इन योर माउथ कैविटी. टंग बियर्स व्हाट? टेस्ट बर्ड. टंग के ऊपर क्या होता है बेटा? टेस्ट बर्ड होते हैं, जो क्या कराते हैं आपको? ये आपको फील कराते हैं, फीलिंग ऑफ टेस्ट, है ना. किसकी फीलिंग कराते हैं बेटा? फीलिंग ऑफ टेस्ट. उसके अलावा नेक्स्ट होती है सलाइवरी ग्लैंड. नेक्स्ट होती है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है बेटा?
प्रोड्यूसेस सलाइवा, वेरी गुड, प्रोड्यूसेस सलाइवा, ओके। तो क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ओके। हाँ, सॉफ्टनेस करती फूड को, सॉफ्टनेस देती है बेटा, ठीक है बेटा। तो आपका फूड जो है निकल चुका है माउथ से, माउथ से फूड कहाँ गया बेटा, माउथ कैविटी में, और माउथ कैविटी से फूड कहाँ आता है बेटा, थर्ड फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स एक्चुअली एक जोन होती है आपकी यहाँ पर थ्रॉट रीजन में, जो मेनली क्या करती है, इस तरह से कुछ होता है जो आपके नोज के पोर्शन को, ईयर के पोर्शन को और माउथ के पोर्शन को आकर के आपस में कनेक्ट करती है। ये ईयर है, ये नोज है और ये आपका माउथ है, कुछ इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। ईयर्स में आप ईयर ड्रॉप डालो, नोज में नेजल ड्रॉप डालो, माउथ में कुछ डालो, सारी आके एक ही जगह पे गिरती आकर के हैं, होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका वो फेरिंग्स वाला जोन होता है बीच में, ठीक है। फेरिंग्स के जोन पर एक स्ट्रक्चर दिखता होगा आपको इस तरह से लटका हुआ, इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एपिग्लॉटिस। एक्चुअली होता है कि आपका इस तरह से दो पाइप होते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये आगे वाला जो होता है ये विंड पाइप होता है, पीछे वाला जो होता है ये फूड पाइप होता है। तो यहाँ पर इस तरह से लगा होता है, तो जब फूड आता होगा तो इसको ऐसे प्रेस करता होगा, इसको प्रेस करने से ये वाला पोर जो है ऐसे बंद हो जाता होगा, और बंद होने के बाद फूड इसके ऊपर स्लिप होता हो, इसके अंदर आता होगा। समझ में आया, देखो इस तरह से लगा होता है, इस तरह से लगा होता है। तो जब फूड इस पे गिरता होगा आकर के, तो ये इस तरह से ऐसे बंद होता है। तो जब ये बंद होता है बेटा, तो जैसे ये बंद होता है तो फूड इसके ऊपर से होता हुआ अगले वाले पाइप में स्लिप हो जाता है, और ऐसे फूड आकर के इसमें चला जाता है। बात समझ में आई, फूड ऐसे था इसमें चला गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से एपिग्लॉटिस होता है जो क्या करता है, गिव्स पैसेज टू मूव फूड इन फूड पाइप ओनली, केवल फूड पाइप में ही फूड जाए, इसलिए यहां पर ये करता है, ठीक है। समझ में आया। फिर नेक्स्ट आता है, आपका इजोफेगस। फेरिंग्स से बात क्या आता है बेटा, इजोफेगस। यहां से फूड फेरिंग्स के फॉर्म में था, नीचे आएगा क्या आपका बनेगा बेटा, किसमें आएगा, इजोफेगस में। इजोफेगस को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फूड पाइप। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फूड पाइप। ये सिलेंड्रिकल होता है बेटा, इस तरह से फूड पाइप होती है आपकी, ठीक है। इसको आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है। दिस इज योर फूड पाइप, दिख रहा है ये आपका, ये जोन, ठीक है, ये आपकी फूड पाइप है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर होता है इसको फूड पाइप बोलते हैं बेटा। इसमें एक रिदमिक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को नाम होता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है बेटा, इट इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ फूड पाइप विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ फूड डाउनवर्ड, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते 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 फूड के बॉल्स को नीचे की तरफ ऐसे ऐसे पुश करता रहता है। बात समझ आई बेटा, तो इस मूवमेंट को क्या नाम देते हैं बेटा, पेरिस्टाल्सिस। इसकी वजह से फूड आराम से होते हुए नीचे चला जाता है। बात समझ आई बेटा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको पेरिस्टाल्सिस, क्लियर, पेरिस्टाल्सिस।
ओके नेक्स्ट इज इसोफेगस का फूड कहाँ जाता है बेटा? स्टमक में, स्टमक, ठीक है। तो क्या कहेंगे बेटा? इट इज जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन आर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होता है बेटा? ये हमारे एब्डोमन में, यहां पर, यहां पर किस साइड पे होता है बेटा? राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे। कहाँ पे होगा? इस साइड, लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है हमारा, ठीक है। देखिए डायग्राम में कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये राइट साइड है, मैंने लेबलिंग अपने राइट हैंड के अकॉर्डिंग करी है, लेकिन आपके हैंड के अकॉर्डिंग ये कौन सा साइड होगा? लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। इनके हिसाब से अगर इसको मैं पर्सन मानूं तो इसका ये लेफ्ट साइड होगा ना, और ये कौन साइड होगा? इसका राइट साइड होगा, लेकिन लिखने के हिसाब से मैंने इसको क्या माना है? राइट साइड माना जी, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर देखे स्टमक का बेटा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है स्टमक का, जे शेप में। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। इट हैज डिवाइडेड इनटू थ्री जोन, थ्री जोन में डिवाइड होता है। इसको कहते हैं कार्डियक, कार्डियक। इसको बोलते हैं पाइलोरिक, इसको बोलते हैं फंडस। कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडस। कार्डियक ऊपर होता है, ये वाला जोन कार्डियक है, नीचे वाला जोन पाइलोरिक है, और बीच वाला मिडिल वाला जोन क्या है बेटा? फंडस है। ओके समझे? यहां पे एक इलास्टिक मसल लगी होती है, इलास्टिक रबर बैंड की तरह मसल्स लगी होती है, यहां पर, यहां पर और यहां पर ये लगी होती है, ताकि फूड वापस पीछे ना चला जाए। मतलब अगर एक बार फूड जब अंदर आएगा तो ये ओपन होता होगा, इस तरह से फूड अंदर से यहाँ गिर जाता होगा, फूड अंदर गिरा तो ये ऊपर से फिर बंद हो गया। समझ में? आपने बैग देखे होंगे, इसको आपने ऐसे ढीला किया, सामान डाला, फिर ऐसे कस दिया तो ऊपर से बंद हो जाता होगा, देखा ना आपने इस तरह से? तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल लगी होती है, तो इसको नाम दिया जाता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कार्डियक स्फिंक्टर। ये कार्डियक स्फिंक्टर है और यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है। मतलब फूड एक बार अगर निकल गया तो वापस नहीं आ सकता इससे। समझ में आया? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं, स्टमक इज लाइंड अप बाय अ लेयर ऑफ म्यूकस। इसके अंदर की एक लेयर जो होती है म्यूकस से लाइन अप होती है, विच हेल्प्स इट टू प्रोटेक्ट विद प्रोटेक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। किससे बचने में हेल्प करती है इसको? कॉन्सेंट्रेटेड HCl से बचने में हेल्प करती है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? ओके ओके। आफ्टर स्टमक फूड रीचेस टू द वेयर? इंटेस्टाइन। ओके, फूड रीचेस टू इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो नाम से कौन आपको बड़ा दिख रहा है? लेंथी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, 6 to 6.5 meters की होती है, ठीक है, और ये 1.2 meters की होती है, ठीक है। समझ में आया? इसकी एक्चुअली थिकनेस ज्यादा होती है, इस तरह से होता है, और ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक है।
अंडरस्टूड. अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, डुओडेनम, जुजैनम एंड इलियम. एंड दिस वन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट अगेन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम. सीकम, कोलन एंड रेक्टम. ओके बेटा, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन, इसमें एक वेस्टिजियल ऑर्गन होती है जिसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स में होती थी. ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारे एंसेस्टर्स में होती थी, क्योंकि इसमें एंजाइम्स पाए जाते थे. क्योंकि उस टाइम को जो हमारा फूड जो होता था वो कैसा होता, रॉ होता था, अनकुक्ड फूड खाते थे हम लोग. तो सड़ा गला गंदा जो भी खाना मिला हमने खा लिया, तो उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता था. लेकिन आज के टाइम हम कैसा खाना खाते हैं, साफ सुथरा पका हुआ प्रॉपरली ऐसा फूड खाते हैं. तो ज़्यादातर इसका यूज़ अब हमारी बॉडी में रह नहीं गया है. तो ये ऑर्गन कैसी बन गई है हमारे लिए, वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई है. बात समझ आई बेटा, कोई दिक्कत इसमें, पक्का? ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन है. क्लियर है बेटा इतना, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ओके, ठीक है. अब हम लोग मेनली चलते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर. ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर. तो बेटा ये आपको समझ में आ गया कि ये सारे हमारे पार्ट्स से जहां से फूड गुजरता है, जहां से फूड गुजरता है उसको हम लोग नाम देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक, यहाँ पे वो स्टेशन है जहां पे फूड गुजरेगा. कहाँ कहाँ से? माउथ से, माउथ कैविटी में जाएगा, माउथ कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग से इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा. ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा? ठीक है, अब शुरू करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो मेनली होती हैं हमारी, वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है बेटा? अभी आप पढ़ चुके हो, लोकेटेड इन माउथ कैविटी. ठीक है, प्रोड्यूस क्या करती है बेटा? प्रोड्यूसेस सलाइवा. ठीक है, सलाइवा कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स. कौन से एंजाइम्स होते हैं इसमें बेटा? इसमें थ्री एंजाइम्स होते हैं. कौन कौन से बेटा? एक होता है सलाइवरी अमाइलेज. ओके बेटा, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको नाम देते हैं हम टाइलेन भी कहते हैं. दूसरा माल्टेज एंड तीसरा लाइजोजाइम. ओके बेटा, ठीक है. काम किस पे करते हैं बेटा? जो आप फूड खाते हो उस फूड में स्टार्च होता है, तो स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ये बेटा माल्टेज में. ओके, स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं किसमें? माल्टोज में. ठीक है, अब माल्टेज क्या करते हैं बेटा? माल्टेज जो आपके बॉडी में माल्टोज कन्वर्ट हुआ, जो स्टार्च से माल्टोज कन्वर्ट हुआ, उस माल्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में. ओके बेटा, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में. ठीक है, और जबकि लाइजोजाइम्स क्या करते हैं? ये आपके सलाइवा में किलिंग ऑफ जर्म्स के लिए होते हैं. यानी अगर आपके फूड में कुछ जर्म्स भी आ गए हैं तो आपके सलाइवा से वो आराम से मर जाएंगे. ठीक है, कभी देखा होगा कट वट लगता है तो हम लोग ऐसे अपनी सलाइवा उस पर लगा देते हैं, देखा है ना? ये एक एंटी बैक्टीरियल होता है ताकि वहां पे जर्म्स की ओरिजिनेट ना हो. ओके बेटा, बात समझ में आ गई? तो इससे हमें एक चीज समझ में आई. एक क्वेश्चन और आता आपका यहां से वन मार्क्स में कि नेम ऑफ द प्लेस वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ. तो यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं
डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आर माउथ कैविटी। ओके, पूछा आता है एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो आप आंसर दे सकते हैं डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ कैविटी से, माउथ कैविटी में डाइजेशन शुरू हो जाएगा। देख रहे हो आप कि कन्वर्जन शुरू हो गया है आपके फूड का कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में, इसी को आप डाइजेशन ही तो बोलते हो। ठीक है, तो डाइजेशन शुरू हो गया आपका, बात समझ में आई? ओके, अब सलाइवरी ग्लैंड हो गया वन नंबर पे, टू नंबर पे आता है सलाइवरी ग्लैंड के बाद नहीं माउथ कैविटी का फूड कहाँ जाता है बताइए जरा मुझे, फेरिंग्स, फेरिंग्स में कोई एंजाइम नहीं, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं, ईसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाता है बेटा, स्टमक में, स्टमक में बेटा दो चीजें होती हैं, पहला ए पार्ट कॉन्क एचसीएल कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल, और बी एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है, और एक सी एक चीज और होता है सॉरी रेनिन। ठीक है, कॉन्क एनसील क्या करता है बेटा, ये फूड को एसिडिफाई करता है, इट एसिडिफाई द फूड। ठीक है, फूड को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, एसिडिफाई में, मतलब एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम, ठीक है बेटा, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, बात समझे बेटा, क्यों करता है, क्योंकि ये जो आपका पेप्सिन वाला एंजाइम है ना बेटा, ये केवल एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, तो जो भी फूड स्टमक के अंदर जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा ये कॉन्क एचसीएल करता है, तो दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है किलिंग ऑफ जर्म्स, अगर वहां से माउथ से आपके जर्म्स बच गए और स्टमक में आ गए किसी तरीके से, तो ये कॉन्क एचसीएल कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल उस जर्म्स को यहां पे किलिंग कर देगा, यानी खाना जो पहुंचेगा आपकी बॉडी में साफ सुथरा पहुंचेगा। अंडरस्टूड बेटा? अब आपके फूड में अगर प्रोटीन कंटेंट्स हैं तो इसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, प्रोटीन्स को किसमें ब्रेक कर देगा, स्मॉल पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अंडरस्टूड? ये वाला जो एंजाइम होता है बेटा, ये केवल बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है, इन माइनर्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोटे बच्चों के फूड जो मेनली होता है वो मिल्क होता है। ठीक है, छोटे बच्चों का फूड क्या होता है मेनली, मिल्क। ओके, तो ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा इसको, फूड को कर्डलिंग ऑफ मिल्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि बड़े लोगों में ज्यादातर फूड मिल्क नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, बड़े लोगों में इतना नहीं पाया जाता, हम लोगों में ये रनिंग इतना नहीं होगा क्योंकि हमारी मेन डाइट जो है मिल्क की नहीं है। ओके, छोटे बच्चों में मेन डाइट क्या होती है, मिल्क की होती है। ओके, स्टमक के बाद फूड पहुंचता है कहां पर बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, समझ में आया बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन फूड कहां पहुंचेगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, अब यहां दो तीन चीजें याद रखने वाली है बेटा, जो फूड ऊपर से स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा है वो किस मीडियम में होगा बेटा, किस मीडियम में होगा, एसिडिक में। स्टमक के अंदर एसिड से बचने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन थी, तो स्टमक तो बच गया इससे, लेकिन क्या इंटेस्टाइन बच पाएगी एसिडिक मीडियम से, हाँ जी कुछ होगा उसके पास, क्या होगा, तो इंटेस्टाइन से पहले आने से पहले फूड क्या करता है,
लिवर एक जूस प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लिवर, ठीक है, बट बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? ना बच्चा, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से निकल के वो बाइल जूस क्या करता है, जो फूड यहां से आ रहा है स्वान टेस्टाइन में, ये जा करके उससे मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये इससे मिल जाता है, तो बाइल जूस मिल गया ना, इससे बाइल जूस मिल गया ना, इससे तो बाइल जूस मिल गया। इसने क्या कर दिया, पहला काम न्यूट्रल, भाई एसिड था और ये बेसिक होता है, तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल होता है ना, तो न्यूट्रलाइज द मीडियम और एल्कलाइन द मीडियम, बेसिक मीडियम कर दिया इसने। ठीक है, समझे, पहला काम ये। दूसरा काम क्या करेगा बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को सिंपल फैट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी इस कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में। अंडरस्टूड बेटा, कोई दिक्कत? अब फूड न्यूट्रल हो गया ना, अब आगे इस फूड पर क्या होता है, अब डोडेनम रीजन में मिलता है इसको पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से जो आता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है बेटा, कहाँ से आता है ये, पैनक्रियास से, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस इसमें थ्री एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, एक होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है बेटा, इट कन्वर्ट्स स्टार्च। मान लीजिए माउथ में जो कुछ आप खाए थे, हो सकता है थोड़ा स्टार्च वहां पर रह गया हो, तो वो बचा हुआ स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हुआ था, आकर के यहां पर। ओके बेटा, बात समझ आई बेटा? ओके, कुछ प्रोटीन यहां पर डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन अगर प्रोटीन वहां पर रह गई हो, रीचेकिंग हो रही है, अगर प्रोटीन वहां पर रह गई हो तो फिर से यहां कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पेप्टोन्स में। ओके, समझ में आया? ठीक है, और यहां पे क्या होगा, जो फैट यहां पे रह गया है, फैट इनटू फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ओके बेटा, इसके बाद डोडेनम में जो आपका फूड हुआ, उसके बाद लास्ट पहुंचता है आपका इलियम वाले जोन पे, जुजैनम वाले जोन पे, जन्म वाले जोन पे पहुंचता है बेटा। यहां पर मेनली इसको मिलते हैं फोर इंटेस्टाइनल जूस मिलता है यहां पे आपको, इसमें मेनली क्या होते हैं, इसमें फोर एंजाइम्स होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज एंड लाइपेज। दिख रहा होगा बेटा आपको, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज एंड लाइपेज। सुक्रेज से करता है बेटा, जो आपके फूड में अगर सुक्रोज है, ठीक है, अगर आपने शुगर केन का जूस पिया हुआ है, सुक्रोज है अगर आपके फूड में, तो इसको ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर में। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस ओके, अगर आपके फूड में माल्टेज है, माल्टोज है,
इस माल्टोस को कन्वर्ट कर देगा फूड किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली फूड आपका, ठीक है, कन्वर्ट दिस फूड इनटू डायरेक्टली ग्लूकोज। ओके, अगर आपने मिल्क पिया है आपके उस फूड में लैक्टोज है, लैक्टोज शुगर है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और अगर फूड में आपका बचा हुआ एक्स्ट्रा कुछ फैट है तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में। ओके बेटा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड में। क्लियर, बात समझ में आई, कोई दिक्कत बेटा, पक्का? ओके, बस इसमें लास्ट पार्ट और है छोटा सा, कि इसमें जब आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इसके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो जाता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ठीक है, क्या शुरू हो जाता है बेटा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, फूड एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। जब फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है बेटा, तो यहां पर मेनली तीन चीजें होती हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो यहां पर मेनली दो चीजें होती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड प्लस वाटर, ठीक है, थोड़ा सा फूड और मेनली वाटर, मैक्सिमम वाटर का होता है। और यहां पे होता है टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और उसके बाद एनस के थ्रू बाहर फूड क्या कर दिया जाता है, इजेशन के लिए चला जाता है। ओके बेटा, बात समझ में आई बेटा,